नमस्ते दोस्तों, विनीता कुकिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज हम आम का पन्ना बनाने जा रहे हैं। दोस्तों देखो, हमने आम ले लिया था, 3 आम हमने ले लिया था, एकदम खट्टा वाला, एकदम अच्छा वाला। दोस्तों हमने देखो एकदम अच्छे से इसको उबाल लिया है पानी में, एकदम देखो अच्छे से पक गया है। इसमें ठंडा पानी डाली थी ठंडा होने के लिए, दोस्तों बहुत गर्म था। तब इसका छिलका हम निकाल लेंगे, इधर रख देते हैं बर्तन में, इसको निकाल के पानी में से इसका छिलका निकाल लेंगे। इधर हमने भून के जीरा ले लिया था, अब इसको हम सिलबट्टे बारीक पीस लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें काला नमक भी रखे हैं, इसको अच्छी बारीक से इसे सिलबट्टे पे इसको पीस लेंगे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसके लिए आम का पन्ना बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, धूप और लू के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है दोस्तों, शरीर के लिए अपनी सेहत के लिए। देखो इसे बारीक हम एकदम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेते हैं जीरे का। जीरे का पाउडर बना के आम को साफ करके बर्तन में और पानी ठंडा डाल के हम दोस्तों उसको घोलेंगे बढ़िया से, पानी ना लगा दे सिल पे दोस्तों, एकदम सिल सूखा रहे नहीं तो चिपक जाएगा जीरा, क्योंकि इतना बारीक से पिसा रहा है इतना बढ़िया से। तो दोस्तों देखो हमारा जीरा इधर पीस के रख ली हूँ, इधर हम छिलका निकाल लेते हैं आम का। देखो कितने अच्छे से पक गया है, अच्छे से छिलका सब निकाल लेते हैं। ऐसे ही सब छिलका हमने निकाल लिया है, अब इसको हम छिलका इधर रख देते हैं साइड में। अब इसको पहले हम मस लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। बहुत गर्म है दोस्तों, ठंडा पानी हम डाल लेते हैं पहले। बर्फ़ भी डाल सकते हैं दोस्तों, हमने बर्फ़ नहीं डाला, बस ठंडा पानी लिया है। ऐसे अच्छे से देखो एकदम साफ से धुआ जा रहा है, एकदम अच्छे से पक गया था हमारा आम। खुशली निकाल लेते हैं दोस्तों, हो गया। इसको हम कलछुल से इसे इसे मैश कर लेते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं। एकदम अच्छे से इसे जो है हमारा बड़ा बड़ा इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़े में कर लेते हैं बढ़िया से। इसको अच्छे से हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे सबसे पहले। हमने जीरा जो भून के रखा था वो डाल दिया है, भुना हुआ जीरा दोस्तों बहुत अच्छा लगता है पन्ने में। जो हमने जितना जीरा लिया था भून के उतना सारा जीरा डाल दिया है। अब इसमें हमने काला नमक डाल लेंगे, काला नमक लिया है ये डाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से इसे घोल लेते हैं। आप मिर्चा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा अकेला, पर हम मिर्चा नहीं डाल रहे हैं। इसमें शक्कर भी डाल रहे हैं, शक्कर भी डाल के पी सकते हैं दोस्तों, खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। पर हमने नमक वाला बनाया है अपने टेस्ट के अनुसार बनाए दोस्तों, आप शक्कर भी डालें, पर हमने नहीं डाला, हमने बस नमक डाल के बनाया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हम इसको हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, इतना ही हमारा इतना गाढ़ा रहेगा। देखो आम का पन्ना कितना अच्छा लग रहा है, पीने में टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम सबको निकाल देते हैं गिलास में, हमने इधर गिलास ले लिया है, गिलास में निकाल देते हैं। देखो अच्छे से दोस्तों निकाल दे रहे हैं, बाहर बच्चे रो रहे हैं। देखो
कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज का हमारा आम का पन्ना देखो बन के तैयार हो गया, झटपट पन्ना बना के पी सकते हैं। गर्मियों में दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए गर्मी में। अगर आज का हमारा पन्ना बनाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो हमने सादा पन्ना बनाया, इसमें धनिया और पुदीने का पत्ती भी डाल सकते हैं दोस्तों, और हमने लेकिन अभी सादा बनाया है। तो अच्छा लगे कमेंट करके बताना दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।